बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों मैं याफिद अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। आप वीडियो में देख रहे होंगे जलगांव शहर के आमदार जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़बरदस्त पर्सनालिटी माशाल्लाह, आज ही हमारी शॉप पर बिलाल चौक में आए हैं। तो मैं आमदार साहब से मिला और मैंने कहा कि भाई 10 मिनट आपका इंटरव्यू लेना है, तो सिर्फ 2 सेकंड में उन्होंने हामी भर ली और कहा कि बिल्कुल। वरना ऐसे भी होता है कि वो लोग जो है तो इंटरव्यू देने के लिए भी जो है बहुत सारी बातें करते हैं, टाइम देते भी आप आओ फिर हम मिलेंगे, लेकिन इनकी सादगी हमें बहुत पसंद है माशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं उनका इस पर शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है आमदार साहब से कि पिछले 10 साल आप तो उस पर आप थोड़ी रोशनी डालें कि आपने जो काम किए वो उससे लोग कितने खुश हुए और अब अगली बार आपको कितना सपोर्ट रहेगा लोगों का जलगांव शहर के। नमस्ते। आप भैया साहब ने जो सवाल किया है, 10 साल में काफ़ी सबसे जो बड़ा काम हुआ जलगांव महापालिका कर्ज मुक्त हुई जी। जो 450 करोड़ रुपए कर्जा था, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उनके पीछे लग के नामदार गिरीश भाऊ थे, उनके माध्यम से हमने पीछे लग के 250 कोटी तक उसको लाया, सेटलमेंट किया और 250 कोटी वन टाइम राज्य सरकार ने भरा हो। अच्छा। और 125 कोटी माफ़ किया। अगर आप ये सोचो अगर वो कर्जा अगर महापालिका नील नहीं होती तो अभी 1200 कोटी कर्जा रहता था। तो हमें सबसे अच्छी बात है जो हम हैप्पी वो चीज़ से कि हमें अच्छा लगता है कि एक अच्छा काम मेरे हाथ से हुआ। तो जलगांव महापालिका कर्ज मुक्त हुई, JDC बैंक का कर्ज था वो हमने नील किया। और आप महापालिक कर्मचारियों को पूछिए कि 3-3 महीने पगार नहीं होती थी, ये हिस्ट्री है कि उड़को ने 3 बार महापालिका का बैंक अकाउंट सील कर दिया, सब पगार जो पगार के पैसे आते थे उसमें लोन में जमा कर लेते थे। और इसलिए अभी कई सालों से जैसा 2017 में नील हो गया कर्जा, तो अभी कर्जा नील होने के वजह से आज के तारीख में महापालिक कर्मचारी के पगार सही हो रहे और डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। और यही माध्यम से आने वाले 10 साल के अंदर हमने काफ़ी कम से कम 2000 म्हणजे केंद्र का और राज्य मिला के 2000 कोटी के ऊपर काम हो चुके हैं और कुछ काम पाइपलाइन में। मैं ये भी कहूँगा कि सब काम हुए क्या, नहीं, 50% काम हुए, 25% काम पाइपलाइन में, वो से भूमि पूजन हुए, वर्क ऑर्डर हुए और 25% काम बाकी है। फिर रस्ते के गटर के होंगे, कोई मकान के होंगे, पर आने वाले समय में हम 25% जो काम रहे वो लोगों के 100% करेंगे। लोगों की दुआएं हमारे साथ में है और लोगों को इजी अप्रोच बहुत ज़रूरी है कि आम आदमी आमदार फोन पे मिलना चाहिए। देखो हम सब काम करते क्या, नहीं, सब लोगों को भी मालूम है कि हमारे सब काम नहीं होंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर कोशिश करते हैं, लोगों के पास जाते सुन लेते काम करने की कोशिश करते हैं और होए उतना ईमानदारी से प्रामाणिकपने करते। किसी को झूठे बातें करना घुमाना ये हमारे ब्लड में नहीं है। और इजी अप्रोच जो है हमें कि जो आपने कहा कि सादगी जो आदमी में होनी चाहिए, एक कार्यकर्ता में होना चाहिए, एक लोगों में अपनापन आना चाहिए कि भाई बिल्कुल कोई भी आदमी हो, छोटा झोपड़ी हो या मकान हो, कि हम सुख दुख में जाने की कोशिश करते हैं। और ये बात से हैप्पी क्योंकि हम जब जनता में जाते हैं, जब हमें जनता ने आशीर्वाद दिया तो टाइम को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, हमें वो झोपड़े वालों ने भी दिया, सब समाज ने दिया, अल्पसंख्यक होंगे, दलित होंगे, OBC होंगे, सब लोगों ने दिया। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि सब समाज की हम सेवा करें, कहीं भी काम करते हो जात पात न देखें, पक्षपात न करें। ये हिसाब से मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और पीछे 4 साल से नगर सेवक था, वही कोशिश की, इसलिए लोगों ने हमें MLA करके चुन के दिया और आने वाले समय में भी ऐसी काम करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। सर एक बात ये है, अभी जो आपने काम बताए अगली मरतबा आपके क्या क्या काम है जो आप कर सकते हैं? अभी देखो सबसे बड़ा विज़न हमारा नवीन MRDC जो पिछले पाल में घोषित हो चुके, जगह का सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी समय कम मिला इसके लिए आने वाले समय में हमारा सबसे पहले विज़न होगा नवी MRDC जो युवकों के लिए रोजगार देंगे। जगह जीत चुके हैं, उनको जगह का सर्वे हो चुका है और मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है, उनको घोषित करना है और आने वाले में सबसे पहले नवीन MRDC बनेगी और बड़े उद्योग छोटे उद्योग को चालना मिलेंगे, जो युवकों को यह काम मिलेगा, यह हमारे सबसे पहले विजन होगा। और कुछ कॉलोनी में जो रस्ते रह चुके वो रस्ते हम जरूर कोशिश करेंगे। हमें IT पार्क वाले से भी बात हो चुकी है, वो जो नई MRDC में एक IT हब उन्होंने किया है कि हमारे लिए एक IT हब तुमने जगह छोड़ना, और यही हमारे उद्योग मंत्री से बात हुई कि IT हब उनमें से एक जगह देना उनको, और IT हब वाले भी आने के लिए तैयार है, बोलते सिर्फ हमारे लिए अलग जगह बना के दो। तो ये हमारा विज़न होगा आने वाला। सर आपने एक बार सादगी की भी की
तो चूँकि मैं आपसे शायद पहली मरतबा मिला हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन आता तो सादगी आ जाती है और इलेक्शन जाता तो सादगी जाती है, ऐसा तो नहीं ना सर? आप अक्सर नेताओं के अंदर ये चीज़ होती है। आप पहली बार मिले होंगे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आदमी ने लोड गाड़ी लूटी है ना, उसको अगर तुमने घोड़े पे बैठा दिया तो घोड़े को कभी चाबुक नहीं मारेगा। लोड गाड़ी लौटने वाला तो आम आदमी की ये पहचान होती है कि हम सब जगह पे काम करते हैं जी। और मैं 4 टाइम नगर सेवक था जी। मुझे बोलना नहीं चाहिए, हमारे में ऐसा है कि जो काम किया उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैं आप लोगों में माफ़ी मांग के कहता हूँ कि जो आपने सवाल किया उसका जवाब देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, मैं सिर्फ नगर सेवक था, मेरे पानी के टैंकर थे, एम्बुलेंस थी, स्वर्ग यात्रा गाड़ी पूरे शहर में देते थे। जब तक मेरे को कोई उम्मीदवारी नहीं थी, कोई आमदनी, ये तो महा शिवसेना की युति टूटी इसलिए मेरे को MLA की जगह मिली, लेकिन मैं नगर सेवक था। तो कभी भी गांव में आम आदमी को पूछो, किसी भी आदमी को टैंकर होना, पानी का टैंकर जाता था, एम्बुलेंस होना, एम्बुलेंस जाती थी, स्वर्ग यात्रा गाड़ी जाती थी। हमने कभी जात पात हमारे वार्ड का है यहाँ का है, अभी भी काम करते हुए ग्रामीण के बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, मेरा मतदार संघ नहीं है जी, फिर भी मैं उनके काम करने की कोशिश करती कि मैं एक इंसान नाते दूसरे इंसान को क्या वक्त दे सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, ये सबसे बड़ी बात ये है। और इस हिसाब से हम काम करने की कोशिश करते हैं, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें इंसानियत जिंदा रखना है कि कल अगर हम पक्ष में नहीं रहेंगे चुनाएंगे, लेकिन आने वाले लोग हमें नमस्ते करेंगे, दुआ देंगे, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो कई करोड़पति लोग हैं, रास्ते पे जाते कोई नमस्ते भी करता नहीं। तो ये हमें अपेक्षित नहीं, हमें यही है कि हम लोगों की जरूर सेवा करें और सेवा के माध्यम से जनता का अंत्योदय, कि समाज में का जो आखिरी घटक है, फिर वो कोई भी समाज का हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, बिछड़ा हो, या कोई स्लम एरिया का हो, उसके लिए जो जो सुविधा हम दे सकते हैं वो सुविधा देने की कोशिश करते हैं। अभी आपको मालूम नहीं होगा, पिछले साल यह पानी चले गया था तांबापुर फुकटपुरा में जी, जी। जो जो 250 घर में पानी चले गया था, हमने 250 घर को मदद दिला दी शासन से, और 400 किराना किट हमने दिए। मेरा वार्ड नहीं था, हमारे विरोधों का वार्ड था, पर हमने ये सोचा नहीं क्या है। अभी जैसा इन्होंने कहा कि रास्ता जो इच्छा देवी तो रास्ता था, ये एक्चुअली वो यह कि विरोधक थे, तेल हमने कभी नहीं किया कि भाई विरोधक है वो महापौर है, उन्होंने पूछना मैं बोलने से नहीं, आपके लिए आप मीडिया चलाते हो, मीडिया जानते हो, माहिती अधिकार जो है अपने पास, राइट्स ऑफ है, बराबर है। MLA क्या बोल रहा है इस पर मत गौर करो, माहिती अधिकार है, हमें मराठी में एक मन है, 100 बका और एक लिखा, सही माहिती अधिकार में सब युवक है। आप युवकों से पूछिए, महापालिके में अपील कीजिए, माहिती अधिकार में लीजिए कि 10 साल में राजू मामा ने क्या क्या काम किए, कौन कौन से काम किए, और ये जरूर मालूम पड़ जाएंगे कि भाई किस किस के लोगों को मदद हुई। हम लाड़की बहन योजना होंगी, आयुष्मान कार्ड होंगा, मुख्यमंत्री सहायता निधि होंगी, महात्मा ज्योतिबा फुले का होंगा, ये हम ये आम आदमी के लिए, और हमारा जो नाड़ जुड़े ना आम आदमी से जुड़े है। सदन आदमी तो आता ही नहीं ना, वो तो वेल हैप्पी है, उसके पास पैसा है, वो समय, वो सब उसका खुद का कर लेता है, लेकिन आम आदमी के लिए हम जीने की कोशिश करते हैं और वही काम करते आ रहे हैं, उसके ये प्रिंसिपल से अपन काम करने की कोशिश करें। बस मेरा आखिरी सवाल है कि इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों के खिलाफ BJP की तरफ से बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे अजान हो, तलाक हो, मदरसा हो या फिर हिजाब हो, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कैसा होना चाहिए माहौल? ऐसा है भाई साहब कि देखो, 2% लोग हर समाज में गलत है जी, 2% हर समाज में, हर धर्म में, हर पेशा में, वकील, डॉक्टर, राजनीति में खराब मिलेगी तुमको, लेकिन 2% खराब होने से पूरा समाज खराब है ऐसा कहना गलत होगा जी। हमारा मुस्लिम भाई का हमारे जब आज़ाद हुआ, आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो टाइम को भी उनका योगदान रहा है, ये इतिहास है हमारा, मैं नहीं कह रहा, कोई नाकार भी नहीं सकता उस चीज़ के लिए, ये इतिहास रहा है। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज भी हमारा जो मुस्लिम भाई है ना, सब तुम पूरा इंटरनेशनल अगर सोचेंगे तो सबसे अच्छा सेफ हमारे भारत में देश में, ये भी गौर करना पड़ेगा। आपने एक सूरत में एक काफ़ी 2019 में एक मुलाकात हुई थी वहाँ टोयोटो शोरूम वाले की, टोयोटो नहीं मर्सिडीज़ वाले की, हाँ। तो उसमें कहा था भाई सूरत में, वहाँ तो ज़्यादा लग रहा था गुजरात में, तो उसकी मुलाकात निकालना, तो उसने बोला था कि मेरे सूरत में 70 लोग अल्पसंख्यक ने मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदी की, कौन बोलता विकास नहीं हुआ? अब बताओ मर्सिडीज़ गाड़ी लेना मौका खेले क्या? हमारी गौरव की बात है कि हमारा अल्पसंख्यक भाई मर्सिडीज़ गाड़ी में घूम रहा है, इससे और क्या होना है। हाँ जरूर है, उल्टा हम ये कहेंगे कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी दिया नहीं। हम तुम मालूमात लो कि आज हमारी जो योजना आती है, आज हमें योजना आयुष्मान भारत कार्ड, मेरे ऑफिस में देखना, इनको पूछना, सबसे ज़्यादा हमारी मुस्लिम बहना रहती है कार्ड बनाने के लिए। हम ये नहीं सोचते, तो आज जो लाभ देते हैं उसको मकान का लाभ हो, आयुष्मान का हो, अनाज मिलने का हो, बर्तन का दे रहे, लाड़की बहन का दे रहे,
तो हम ये नहीं देखते कोई जात है या पात है, जो योजना जो जरूरीमंद है जिसको आर्थिक मिलना चाहिए ना उसको देने की कोशिश करते। हम तो कभी ये नहीं कहते कि हमने जात पात पे देना है, कभी ये सोचते भी नहीं, हमारे दिमाग में भी नहीं आता। सरकार की स्कीमें तो सबके लिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मुद्दे मुसलमानों के खिलाफ उठाए जाते हैं उस पर बीजेपी को थोड़ा सोचना चाहिए। साहब ये तो मैं कहूँगा, देखो 2% गलत लोग है जी, और हर समाज में हर धर्म के लोगों ने अगर कोई गलत है तो मानना चाहिए, उसको दबाना चाहिए। दूसरे तरफ से आने से पहले फिर वो हिंदू या मुस्लिम हो, जो गलत है वही समाज में आगे आना चाहिए और उसको दबाना चाहिए। क्योंकि आज देखो हम, आज तो मैं जलगांव को कहूँगा आपने इंटरनेशनल किया, लेकिन जो हम गौर कर रहे हो उस चीज़ के लिए, हम ईद हो दिवाली हो सब साथ में बनाते। वो जो केरला स्टोरी फिल्म थी, अभी सबको पता है कि वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसको बनाया है, लेकिन आपकी तरफ से भी शहर में हवा चली थी कि आमदार साहब ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लड़कों को, लड़कियों को वो फिल्म जाकर देखा उनकी तरफ से फ्री। तो ऊपर तो इस तरीके से होता है, लेकिन हम तो उसमें भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं बात कहता हूँ, देखो हर आदमी का जिसका धर्म मानने का अधिकार है, बात सुनो बिल्कुल। हम जो कुछ फिल्म आई वो फिल्म है, बात सुनो, फिल्म कितना यकीन करते तुम ये बात के ऊपर गौर है, लेकिन उससे थोड़ा माहौल खराब हो जाए। नहीं नहीं माहौल तो अरे मैं क्या, हर बात के लिए मैं वही कह रहा हूँ, हर बात के लिए अभी ये जो गवर्नमेंट है ना, तुम गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन आना चाहिए उसके ऊपर, अगर सेंसर बोर्ड उसके लिए पास करता है, बात सुनिए, और कोई भी सेंसर बोर्ड पास करने के बाद में कोई भी फिल्म हो, कि वो फिल्म होने के बाद में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, अगर वो गलत है तो उसके ऊपर आक्षेप आना चाहिए, अगर गलत है तो वही टाइम को गलत होना चाहिए वो चीज़ के लिए। और स्टोरी है ना, स्टोरी ऐसा नहीं कि वो अल्प, ऐसे हिंदू के ऊपर भी अत्याचार होते, फूलन देवी क्या थी, एक महिला के ऊपर अत्याचार की स्टोरी थी, ऐसा मैं एक बाजू नहीं कहूँगा, ऐसे बहुत से भी हिंदू की उनके ऊपर भी अत्याचार होते, ऐसे भी फिल्म बनी है, बनी नहीं है ऐसा बात नहीं है। अभी जो चंद्रपुर में जो लोग है ये तो हिंदू को ही मारते हैं, वो का वहाँ कौन सा मुस्लिम का आतंकवाद है, वहाँ बताओ ना, नक्सलवादी कौन सा, किसको, हिंदू ही, सब मारने वाले भी हिंदू ही, मरने वाले भी हिंदू ही, फिर ऊपर नक्सलवाद नक्सलवाद है ना बिल्कुल। तो ये यही सोच है कि जो गलत है गलत हो, कोई भी पंथ का सही है, उसके लिए कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना उस चीज़ के लिए। और मैं तो सबसे कहूँगा ना भाई, ये मैं कहने से सबसे तारीख में आज तुम यकीन करो, मैं तुमको देवेंद्र फडणवीस का भाषण बताऊंगा, 2018 में या 17 में उन्होंने भाषण किया था कि अल्पसंख्यक समाज हमारा, उन्होंने कहा था कि अगर कोई शोरूम को गाड़ी बेचते हो टू व्हीलर फोर व्हीलर तो 2 दिन लगा था टू व्हीलर, लेकिन हमारा अल्पसंख्यक का 15 साल का बच्चा 2 घंटे में गाड़ी खोल के बना के देता, बोले इंजन बराबर है, ऐसे होंगे। सर बाबा सिद्दीकी पर क्या बोलेंगे? नहीं वो तो गलत हुआ, हम तो बात का निश्चय करते हैं बिल्कुल। वो उनके लड़के MLA हमारे साथ में अच्छे लोग है, देखो राजनीति में कोई गलत भी कहेगा, हमको भी गलत बोलते लोग, बोलने वाले को क्या, जो विरोध है उसके ऊपर काम टीका करना, लेकिन आदमी अच्छे थे। क्या उनका वो सब फिल्म सिटी में उनका चाचा दबदबा था, काम करते थे, तो क्या गलत है, कई लोगों को सहन नहीं होता है, अगर मेरे से अभी हम बैठे तो ये भी कई लोगों को पेट दुखेगा बराबर है, अब कि भाई मामा कैसे क्या गए, अभी ये तो होने वाला है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भाई इसको तकलीफ देना उसको तकलीफ देना, ये नहीं होता है ना। तुम देखो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को, अगर तुमको ये लाइन पहुँचना है ना, पहुँचने में एनर्जी मत करो, दूसरी बड़ी तुमको लाइन की तकलीफ है ना, हो बड़ी लाइन मारो बाजू में, विकास का लगड़ा करो, जो विकास का झगड़ा करो वो अच्छा रह रहा ना। मैं देखो मैं हमेशा बोलता, कोई भी व्यवसाय हो, राजनीति हो, धर्म हो, अगर तुमको उससे स्पर्धा करना है, आगे जाना है ना, तो उसमें जो अच्छे गुण है ना वो तुम्हारे में लाओ पहले, तो उससे स्पर्धा करो, अगर खुद में अच्छे गुण नहीं और तुम कॉम्पिटिशन उससे करेंगे तो जीत ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसको 90 मिल रहे हैं, मैं घर पे बैठे सो रहा हूँ, मेरे को 90 मार्क मिलने कहाँ से देंगे 90 मार्क। तो माशाल्लाह ये थे हमारे शहर के आमदार साहब राजू माओ, अभी हमारे दुकान पर आए, हमें मुख्तसर सा इंटरव्यू दिया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। चलो धन्यवाद, शुक्रिया। चलो और बहुत सारे लोगों ने डर पैदा करके रखे ले, हाँ। के कभी भाई दूसरे पक्षों के साथ में काम करेंगे तो वो बच्चों को अटका जाएगा, कुछ ना कुछ दंगलों में अटका जाएगा, हाँ। तो मामा का वो भी कहना है कि आधी रात को तुम कभी 3 बजे भी 2 बजे भी बोलना कहेंगे तो तब भी मैं